सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को बचाने का खेल शुरू हो गया है। आंख में धूल झोंकने का खेल शुरू हो गया है। एक वीडियो आया है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और बेतहाशा वायरल किया जा रहा है कई सारी बातों के साथ, और इस वीडियो को उस लड़की से जोड़ा जा रहा है जिस लड़की ने चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया है। खेल अजीब है, गहरी साजिश का हिस्सा है और कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो की परत दर परत में आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि पूरा सच आपकी नज़र में रहे और आपको समझ में भी आए। एक वीडियो पहले आपको दिखाता हूं। दरअसल ये दो टुकड़ों में है। पहले आपको पहला टुकड़ा दिखाता हूं। गाड़ी में कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं, इसमें एक लड़की भी है और बातचीत किसी लेन देन की हो रही है, 5 करोड़ की लेन देन की। जिस आदमी से पैसा लेना है, जिसको फ़ोन या मैसेज किया गया है, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, दबंग ताकतवर आदमी है। जो आदमी ड्राइव कर रहा है वही वीडियो बना रहा है। वो क्यों बना रहा है, किस मंशा से बना रहा है, लेकिन बना रहा है। और पीछे बैठी हुई लड़की को जब वो कवर करना चाहता है फ्रेम में, तो वो भी सामने दिखता है। लेकिन इस बातचीत से अंदाज़ा लगता है कि इस लेन देन में जान भी जा सकती है। पहले इस वीडियो को देखिए। नहीं है, ऑर्डर करा आ गया तुरंत ही। भाई था जे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। फोन करने की तुम्हें जरूरत, और मैसेज करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? पैसे मांग रहे हो, ये कर, तुम्हें आदमी को छोटा मोटा आदमी नहीं है। अरे इनने बोला, मैंने कर दिया यार। अरे मैंने इसलिए करवाया, इसने मेरे से ये कहा, जितना इसने कहा फर्जी थी, मैं बस मुझे लगा डोकमो की निकल आई होगी किसी की। आदमी वो मोटा मोटा आदमी नहीं है, समझो को तुम लल्ला समझ रहे हो तुम लोग कि बैठा हुआ है, तुमने पैसे मांगा वो दे देगा। बाप आदमी है समझो यार, वो नहीं लेता सिम इससे अच्छा। फर्जी फर्जी पता नहीं क्या करने की जरूरत थी। मैं तो सिम के ऊपर डिपेंड होके करा, व्हाट्सएप तो इसी ने बनवाया फिर से, ना व्हाट्सएप बनता ना कुछ होता। मरने वाले काम हमसे, हमारे साथ रह रहे हो, सब कुछ हो रहा है, हमारे वहीं बैठ कर तुमने मैसेज कर दिया, सब कर दिया। तो हम लोग कुछ पता भी नहीं बहन, जो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कहानी। और यार हमारे ऊपर टोपी रख दी। मैंने तो नट बोला तक नहीं, मैं कह भी रहा था मिलके बात करेंगे। जबरदस्ती तुमने कहा खोल देख, छीन करा नहीं करा। अभी तुम्हें अंदाजा है, मान लो तुमने अब सोनू भैया को बता दी ये बात, ठीक है? मान लो अगर सोनू भैया हाथ खींच रहे तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम ये सोचो, तुमने मतलब करने से पहले रोड तो लेते कि तुम्हें करना क्या है। तुम 5 करोड़ मांग रहे हो ऐसे आदमी से, मांग रहे हो पैसा जिसने मतलब जो बाप आदमी है यार। भाई जियो हवाई जाते हो ऊपर देख पाओ। हाँ बताओ, निचाई से निकल गए, इतना बड़ा होते हैं ये? हाँ मेरे पहली बार देखा इतनी निचाई से। ये जीवन और मौत का सवाल है, ये ध्यान रखना, जीवन और मौत का चला पड़ा पड़े। तो ये पहला वीडियो है। अब एक दूसरा वीडियो है जो यही लोग एक होटल में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और आपस में बातचीत हो रही है। इस बातचीत में एक जगह लड़की कहती है कि अगर बात तुम छुपाओगे तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। लड़का बिगड़ता है, कहता है कि मैं कोई बात नहीं छुपाता, मैं डरता नहीं। कुछ ऐसी बातचीत चल रही है। इस वीडियो को भी आप देखिए और सुनिए। जो चाहिए ले लेना, ठीक है, पीना जरूरी है, जो चाहिए ले लेना, रोटी ले लो। उसको कोई बात करनी है करो, कोई बात नहीं करनी ना, अभी बार बार बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे अभी कोई टाइम जरूरत नहीं है। अब बात छुपाई है तो भुगतो ना, मेरे से क्यों कह रहा हूँ? भुगतता नहीं हूँ मैं कभी भी, मैंने कोई बात नहीं छुपाता हूँ किसी से कुछ, ठीक है? खाना शुरू होते ही लड़ाई कर देते हो, तो खाना खा लो ना, अर्जेंट बात है तो कर लो 2 मिनट के लिए जाके। अरे यार बिल्कुल यार, हरे राम। अरे मेरे बंसी बारे का अब जो ये वीडियो है,
ये कब का है, कहाँ का है, किन लोगों का है, या जो लड़की, किन लोगों में चेहरे तो दिख रहे हैं आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, पुलिस जांच के जरिए इन लोगों का पता लगा सकती है। जो लड़की इसमें है, ये लड़की वो लड़की है जो चिन्मयानंद का मसाज करते हुए दिख रही है, या फिर वो लड़की है जिस लड़की ने चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया है, स्थापित नहीं है। अभी तक किसी भी जांच में यह बात सामने नहीं आई है कि यह तीनों लड़कियां अलग अलग हैं, तो फिर इनमें से क्या दो वीडियो किसी एक ही लड़की का है या तीन वीडियो एक ही लड़की का है। वैसे अगर आप ऑडियो तीनों का सुनेंगे तो, यानी कि आरोप लगाने वाली लड़की, जो लड़की मसाज कर रही है वो, और ये कार में जो लड़की जा रही है वो, इन तीनों की आवाज़ से ऐसे लगता है कि तीनों अलग अलग लोगों की आवाज़ है। मैं सुनाता हूँ, लेकिन यह स्थापित तभी हो सकता है जब इसकी जांच हो जाए। वैसे अभी आप तीनों की आवाज सुनिए। मैं तो सिम के ऊपर डिपेंड होके करा, व्हाट्सएप तो इसी ने बनवाया, फिर से ना व्हाट्सएप बनता ना कुछ होता। उन्होंने मेरा बलात्कार किया है, शारीरिक शोषण एक साल तक करते आए हैं। पहला दिन कौन सा सब्जेक्ट है? क्रिमिनोलॉजी। अब खेल देखिए, खेल ये है कि चिन्मयानंद के वकील आते हैं, वो कहते हैं कि जो लड़की बलात्कार का आरोप लगा रही है वो लड़की पैसा वसूलना चाहती है, ये कहीं ना कहीं वो इशारे में समझाना चाहते हैं, लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। आज जो मुझे सूचना है, एसआईटी की टीम जो आई थी उसने पीड़िता का जो हॉस्टल का कमरा था उस कमरे को खोला है जो सील था पहले से, और उसने उस कमरे के अंदर रहकर ही क्या किया है ये डिटेल मेरे पास नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी का जाना आना नहीं था, इस बारे में आप लोगों को वही बता सकते हैं। ये बताइए कि जो एक वीडियो स्वामी जी का वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि वो मालिश करा रहे हैं और मतलब ठीक स्थिति में नहीं है, क्या है उस वीडियो का सच क्या है? देखिए, प्रथम दृष्टया ही देखने में फेक वीडियो मालूम होता है। छात्रा कह रही है कि मेरा एक वर्ष से शारीरिक शोषण हो रहा है, और उस वीडियो में जो तारीख आ रही है वो 31/1/2014 की आ रही है, तो सीधी सी बात है कि फेक वीडियो है, एनिमेशन से बनाया गया है, एडिट करके बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वामी चिन्मयानंद जी की छवि को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ऐसे षड्यंत्र जब तक षड्यंत्रकारी जेल नहीं जाएंगे तब तक लगातार आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। आपके सामने है कि पहली बार फेसबुक पर वीडियो वायरल होता है, उसमें अपने ऊपर कोई आरोप पीड़िता नहीं लगाती, सिर्फ इतना कहती है कि बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, मुझे भी धमकी दे रहा है। जब वह षड्यंत्र सफल नहीं हुआ तो दूसरा षड्यंत्र रचा गया कि स्वामी चिन्मयानंद जी के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट लिखाई गई, अपहरण में वो लड़की अपने दोस्त के साथ मिलती है, सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टेटमेंट भी है कि मैं स्वेच्छा से अपने दोस्त के साथ गई थी। वह षड्यंत्र असफल हो जाता है, तब एक नया षड्यंत्र कल रचा गया, जब कल के षड्यंत्र में भी आप लोगों ने देखा होगा पीड़िता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और बड़े दावे के साथ अपनी बातें अनर्गल बातें कह रही है। जब वह षड्यंत्र भी सफल नहीं हुआ तो आज एक नया षड्यंत्र करके इस तरह का वीडियो वायरल किया गया। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। वह षड्यंत्रकारी चाहे जितने षड्यंत्र रख लें, एसआईटी की जांच पर, न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है। एसआईटी की जांच जिस दिन पूरी होगी उस दिन स्वामी चिन्मयानंद बाइज्जत बरी होंगे और सारे षड्यंत्रकारी जेल में होंगे। क्या साजिश क्या लगता है आपको? बताया जा रहा था कि एक्सट्रॉशन का जो मामला था वो बीसी से जुड़ता हुआ है, क्या? सीधी सी बात है, जब स्वामी चिन्मयानंद से 22 अगस्त को फेसबुक पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के धमकी दी गई और उसमें कहा गया आज शाम तक 5 करोड़ रुपए मुझे दे दो नहीं तो आपको समाज में बदनाम कर देंगे, आपके विरुद्ध वीडियो वायरल कर देंगे, ये सब उसी का हिस्सा है। षड्यंत्रकारियों को पैसे नहीं मिले हैं, इसीलिए इस तरह के तमाम कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है वो सफल नहीं होंगे। क्या आप लोग पास कोई ऐसा सबूत है जिससे दावे से कह रहे हैं कि साजिश एक्सट्रॉशन के लिए की गई? बहुत सारे सबूत हैं, जो भी सबूत हैं हम एसआईटी को देंगे, एसआईटी के अलावा किसी को नहीं देंगे, मुझे एसआईटी की जांच पर भरोसा है, एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। एक ये भी रूमर है, एक ऐसा चर्चा ये भी है कि एक ऐसा वीडियो भी है जिसमें ये लोग साजिश और प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों के संज्ञान में है सब? बिल्कुल होंगे, जब इस तरह के लोग कुत्सित मानसिकता के साथ इस तरह के कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। ईश्वर साथ है, मैंने पहले ही कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो सत्य की ही विजय होती है। एसआईटी की जांच पूरी होने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक आखिरी सवाल और, ये स्वामी जी के ऊपर इतने आरोप लगे, उनकी इमेज इतनी डिस्ट्रॉय हो गई, साजिश भी कह रहे हैं आप लोग, लेकिन वो सामने आके बात क्यों नहीं करते? तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने मुझे बात करने के लिए, मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत कर रखा है, तो उनके बात करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह के झूठे
तुच्छ आरोपों का स्वामी जी ऐसा व्यक्ति जवाब दे, यह भी उचित नहीं है। यह वीडियो कब का है? 4 से 5 साल पहले का। अब 4 से 5 साल पहले का वीडियो है कि नहीं, इसको भी मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक सच दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको भी थोड़ा लगेगा कि अरे ये क्या है और किस तरह से यह खेल चल रहा है। लेकिन वो यह भी कह रहे हैं कि लड़की साल भर से पीड़ित है, अपने आप को बताती है कि साल भर से मेरा यौन शोषण चिन्मयानंद कर रहे हैं, और वीडियो बहुत पहले का है जिसमें 5 करोड़ रुपए की उगाही की बात हो रही है। यानी कि उस 5 करोड़ रुपए को उगाहने के चक्कर में चिन्मयानंद पर इस लड़की ने गलत आरोप लगाया जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। तो 5 साल पहले जो लोग उनका वीडियो बना रहे होंगे या बात कर रहे होंगे, उनका इस लड़की से जो कि LL में यहाँ पढ़ रही है क्या रिश्ता नाता है? क्या 5 साल पहले ये लड़की उस कॉलेज में पढ़ती थी? क्या वो चिन्मयानंद को जानती थी? क्या चिन्मयानंद के संपर्क में आई थी? नहीं। फिर दोनों वीडियो को कैसे जोड़ा जा रहा है? नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन दोनों वीडियो अब आपके सामने हैं। एक वीडियो जिसमें लड़की मसाज करती है, ये लड़की बिल्कुल अलग है, इस लड़की का उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है जो आपको दूसरे वीडियो में दिख रही है, जो चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाती है। उसकी आवाज़ सुनिए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस लड़की ने क्या आरोप लगाया चिन्मयानंद पर, वो सुनिए। उन्होंने मेरा बलात्कार किया है, शारीरिक शोषण 1 साल तक करते आए हैं। यानी कि 1 साल से बलात्कार कर रहे हैं और सबूत उसके पास हैं, सबूत SIT ने ले लिए उसके हॉस्टल के कमरे से, जिस कमरे में उसने सबूत होने की बात कही थी। अब इस वीडियो पर आइए जो मसाज का वीडियो है। चिन्मयानंद के वकील को आपने सुना ना, चिन्मयानंद के वकील कह रहे हैं कि ये एनिमेटेड वीडियो है, ये फेक है। इस वकील को ये पता नहीं है कि वीडियो और एनिमेशन में क्या अंतर होता है। मैंने कहा ना, एक नौसिखिया आदमी जब कभी भी आपको बचाने चलता है तो 10 जगह पर आपको फंसा देता है, और ऐसा ही चिन्मयानंद का ये वकील दिख रहा है, जिसको बात और वीडियो की सच्चाई इन दोनों के बीच में कड़ी बिठाने नहीं आ रहा है। खैर, जो वीडियो है वो कहा ये जा रहा है कि रात का है। नीचे अब आप टाइम देखिए, रात के 9:45 से लेकर के 10:06 का वीडियो है। बीच में जो 9:48 होते हैं उसी दौरान 10:05 का वीडियो आ जाता है, और फिर 9:48 के आगे का वीडियो शुरू होता है। यानी कि इस वीडियो को एडिट किया गया है, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ पीछे कुछ आगे, ऐसा किया गया है, एडिटेड है, डॉक्टर्ड तो कह सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो रात का वीडियो आपको बताया जा रहा है कि 10 बजे रात के 9:45 का वीडियो है, वो नहीं है। यह वीडियो दिन का है, जब चिन्मयानंद बैठे हुए हैं या मसाज करवा रहे हैं, उस दौरान कैमरा बाहर खिड़की को देखता है और उधर धूप खिली हुई है, पूरी रोशनी है। यानी कि ये वीडियो जब बन रहा था उस समय दिन था, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है, बाहर के पेड़ दिखते हैं, ये रात का वीडियो नहीं है। यानी डेट और टाइम गलत है, डेट और टाइम की जांच होनी चाहिए। अब इस वीडियो का उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है जिस लड़की ने चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया है। मामले को आप समझिए, चिन्मयानंद को लेकर के 3 वीडियो हैं। एक वो वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें लड़की कहती है कि मेरा 1 साल से यौन शोषण चिन्मयानंद कर रहे थे, मेरे पास का वीडियो है। दूसरा वीडियो जो मसाज करते हुए एक लड़की का है चिन्मयानंद का, चिन्मयानंद बिना कपड़े के मसाज करवा रहे हैं, और यह मसाज जब लड़की करती है तो उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, और यह बातचीत दिन में हो रही है, ना कि रात में जो नीचे वीडियो में टाइम और डेट दिया गया है। तीसरा वीडियो वो है जिसमें कार में एक लड़की कुछ लोगों के साथ जा रही है और 5 करोड़ रुपए की लेन देन का मामला है। ये 5 करोड़ की लेन देन का मामला किस आदमी के साथ है स्थापित नहीं है, स्टाब्लिश नहीं है। वो चिन्मयानंद के साथ है या नहीं है, चिन्मयानंद से पैसे लेने की बात की जा रही है नहीं की जा रही है, ये स्टाब्लिश नहीं है। लेकिन चिन्मयानंद के वकील कहते हैं कि 5 साल पहले एक वीडियो बना करके चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने की साजिश की गई थी, और उसी साजिश के तहत इस लड़की ने चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाया है। यानी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, चिन्मयानंद को बचाने की जो पूरी कोशिश है वो भानुमती के कुनबे की तरह ही है, जो कि बिखर जाएगा, ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा, रेत के महल की तरह बिखर जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है, बेदम है। और कुछ लोग चिन्मयानंद के बचाने की कोशिश में इस खबर को कुछ यूं भी चला रहे हैं, जैसे कि कार में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था जो लगातार वायरल हो रहा है, वो वीडियो
उस लड़की का वीडियो है जो चिन्मयानंद पर आरोप लगा रही है। मैं बार बार आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि तीन वीडियो हैं चिन्मयानंद के, हो सकता है कि तीन नहीं 30 लड़कियों के साथ रिश्ते रहे हों। एक आदमी जो अपने आप को स्वामी कहता है, एक जो पूर्व गृह राज्यमंत्री रह चुका है, जो बहुत बड़ा नाम है, दबंग ताकतवर आदमी है, उस आदमी के बारे में जो राय रखी जाती है स्वामी होने के नाते, उसके ठीक उलट है। अगर किसी आदमी ने आपके खिलाफ साजिश की और साजिश के तहत आप फंसे, तो क्यों फंसे? आपने फंसने का आधार दिया। चिन्मयानंद के वकील कहते हैं कि उनको साजिशन फंसाने की कोशिश की गई, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप स्वामी हैं, संत हैं, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, आपकी अपनी इमेज है, दबंग है, ताकतवर हैं, आप कैसे फंसे? अगर आपके भीतर अपनी कमजोरियाँ नहीं हैं तो, अगर आप इस तरीके से बिना कपड़े के मसाज कराएंगे, मैं फिर कहता हूँ वो वीडियो डॉक्टर्ड हो सकता है, यानी कि इधर का वीडियो उधर, उधर का वीडियो इधर, या फिर टाइम डेट में बहुत सारे अंतर आ सकते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वीडियो में दिखने वाला आदमी चिन्मयानंद ही है, यह आप कह सकते हैं। तो जब आप में ऐसी कमजोरी नहीं थी तो इस तरह की तस्वीर आपकी कैसे आई? आपके भीतर बिना कपड़ों के एक लड़की से मसाज कराने की हवस नहीं होती तो फिर आप कैसे फंस जाते? यानी कि आपके सामने जो दो तीन लड़कियां आई हैं, हो सकता है कि आगे कुछ और वीडियो आए, कुछ और लड़कियां आए। अगर उस लड़की के आरोप में दम है कि आपने उस लड़की के साथ साथ कई और लड़कियों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, तो हो सकता है कि ऐसे और वीडियो आएंगे और फिर आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन जो बुनियादी और बड़ा सवाल है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अभी तक चिन्मयानंद से पूछताछ क्यों नहीं की है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अगर उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है तो उस आरोप के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, IG के तहत SIT बनाने के बावजूद अब तक लगाम क्यों नहीं कसी गई? अब तक उनको पुलिस ने अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया? गिरफ्तारी क्यों नहीं की? सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।